हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हिस्टोपैथोलॉजी एमसीक्यू पार्ट टू। वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। ये जो वीडियो हम बना रहे हैं, वीडियो में हम 25 एमसीक्यू क्वेश्चन लेके डिस्कस करेंगे और उसका आंसर भी बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का पार्ट टू वीडियो। तो पार्ट टू वीडियो में पहला क्वेश्चन आता है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉफ्ट वॉक्स इज 58 डिग्री सेंटीग्रेड, 62 डिग्री सेंटीग्रेड, 68 डिग्री सेंटीग्रेड, 75 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम लोग जानते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉफ्ट वॉक्स इज 58 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हिच एम्बेडेड मटेरियल इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सेक्शंस फ्रॉम फाइबर मटेरियल। अगर हम लोग सेक्शन प्रिपरेशन करते हैं फाइबर मटेरियल से, वो फाइबर मटेरियल हम लोगों को कौन सा मटेरियल से एम्बेडेड करना पड़ेगा। तो क्या है ऑप्शन है, सेलोइडिन, जिलाटिन, पैराफिन ऑल। देखिए फ्रेंड्स, ये पैराफिन है हम लोग रूटीनली यूज़ करते हैं, सेलोइडिन ओकेशनली यूज़ करते हैं, लेकिन जिलाटिन हम लोग फ्राइबल मटेरियल के लिए यूज़ करते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके बाद आता है, द लाइसिस ऑफ सेल्स बाय द एंजाइम्स लिबरेटेड ड्यू टू रैप्चर ऑफ लाइसोजोम इज कॉल्ड। नंबर है हाइड्रोलाइसिस, नंबर बी हीमोलाइसिस, नंबर सी है ऑटोलाइसिस और नंबर डी है इलेक्ट्रोलाइसिस। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर सेल का कोई पार्ट से अगर सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है तो उसको कहते हैं ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस क्या है, बेसिकली ऑटोलाइसिस है सेल के अंदर जो लाइसोजोम है, लाइसोजोम को हम लोग सुइसाइडल बैग कहते हैं। क्यों, उसके अंदर जो एंजाइम है वो एंजाइम क्या है, सेल डेथ होने के बाद क्या होता है, वहाँ से अगर सेल का अंदर वो जो लाइसोजोम रप्चर हो जाएगा तो क्या है, रप्चर से वहाँ से एंजाइम निकलता है, निकलने के बाद क्या है, सेल डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इसलिए हम लोग लाइसोजोम को हम लोग कहते हैं सुइसाइडल बैग। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। इसके बाद आता है, द ब्रेकडाउन ऑफ टिश्यू बाई बैक्टीरियल एक्शन ऑफन विद द फॉर्मेशन ऑफ गैस इज नोन एज। ऑटोलाइसिस, पुट्रिफिक्शन, प्यूरिफिकेशन, प्लाज्मोलाइसिस। तो आंसर होगा पुट्रिफिकेशन। तो इसका पुट्रिफिकेशन होने का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, पुट्रिफिकेशन कैसे हम लोग पता चलेगा, अगर वहाँ से कोई गैस निकलता है और सेल का डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो उसको हम लोग कहते हैं पुट्रिफिकेशन। इसके बाद आता है, ए फिक्सेटिव इज यूज टू प्रिजर्व सेल्स, प्रिवेंट प्रिजर्व टिश्यू कॉन्स्टिट्यूएंट्स, हार्डन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू और ऑप्शन डी ऑल। अगर देखिए हम लोगों को एक गुड फिक्सेटिव का बारे में पता है तो ये क्वेश्चन का हम लोग आसानी से उत्तर आंसर दे पाएंगे। तो आंसर होगा इसका डी, क्योंकि एक गुड फिक्सेटिव क्या करता है, प्रिजर्व सेल प्रिजर्व करता है, टिश्यू कॉन्स्टिट्यूएंट को बराबर रखता है, टिश्यू को हार्ड करता है। तो ये है एक गुड फिक्सेटिव का क्राइटेरिया। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द फिक्सेटिव यूज टू प्रिजर्व द एनाटोमी ऑफ द टिश्यू विथ करेक्ट रिलेशनशिप्स ऑफ टिश्यू लेयर एंड लार्ज एग्रीगेट्स ऑफ सेल्स आर कॉल्ड। साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव, माइक्रोएनाटोमिकल फिक्सेटिव, हिस्टोकेमिकल फिक्सेटिव, नन। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, माइक्रोएनाटोमिकल फिक्सेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर माइक्रोएनाटोमिकल फिक्सेटिव्स। माइक्रोएनाटोमिकल फिक्सेटिव कौन सा है, 10% फॉर्मलसालाइन। फॉर्मलसालाइन क्यों है, फॉर्मलसालाइन क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर 0.9% NaCl, अगर 100 ml डिस्टिल्ड वाटर में हम लोग 0.85 और 0.9% 9 ग्राम सोडियम क्लोराइड दे देते हैं तो उसको हम लोग नॉर्मल सलाइन कहते हैं। तो नॉर्मल सलाइन के अगर नॉर्मल सलाइन के अंदर अगर 10% फॉर्मलिन दे 10 माने 100 ml 90 ml सलाइन के अंदर अगर 10% 10 ml फॉर्मलिन दे देंगे तो वो हो जाएगा 10% फॉर्मल सलाइन। इसके बाद है जेंकर्स फ्लूइड, जेंकर्स फॉर्मल ऑल। तो आंसर होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, माने ये सभी होता है माइक्रोनॉमिकल फिक्सेटिव। इसके बाद आता है साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव आर। साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव कौन सा है, तो साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव है कार्नोइस फ्लूइड्स, क्लार्क फ्लूइड्स, एम्पिस फ्लूइड ऑल। तो साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव है ऑल, माने ऑल मतलब है ऑप्शन डी।
ये सब ही साइटोलॉजिकल फील्ड, मतलब ये सेल का जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म को ये फिक्स करता है। तो इसलिए ये फिक्सेटिव का नाम हुआ है साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव। इसके बाद आता है हिस्टोकेमिकल फिक्सेटिव, हिस्टोकेमिकल फ्लूइड सर। देखिए यहाँ पर हिस्टोकेमिकल फिक्सेटिव नहीं दिया, फ्लूइड दिया, क्योंकि एक स्टूडेंट लोगों को एग्जाम के टाइम में कन्फ्यूज करने के लिए। तो आंसर वो जो फ्लूइड एंड फिक्सेटिव एक ही होता है, क्योंकि दोनों ही लिक्विड होता है। तो हिस्टोकेमिकल फिक्सेटिव है बफर फॉर्मलिन, वेपर फिक्सेटिव, बोथ नन। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ, मैंने बफर फॉर्मलिन एंड वेपर फिक्सेटिव। इसके बाद आता है द मोस्ट कॉमन फिक्सेटिव यूज फॉर हिस्टोकेमिकल पर्पस। हिस्टोकेमिकल फिक्सेटिव पर्पस मतलब आईसी, मतलब अभी अभी जो हिस्टोपैथोलॉजी को एक तो ब्रांच नया आया है वही इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री। इसके लिए कौन सा फिक्सेटिव हम लोग यूज़ करते हैं? वेपर फिक्सेटिव, बफर फॉर्मलिन, फॉर्मल फिक्सेटिव और जेंकर्स फिलर। तो जनरली हम लोग बफर फॉर्मलिन यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है द रिमूवल ऑफ कैल्शियम सॉल्ट फ्रॉम ए कैल्सीफाइड टिश्यू इज कॉल्ड। कैल्शियम कैल्सीफाइड टिश्यू से कैल्शियम हटाने का प्रोसीड्योर को क्या कहते हैं? डिकैल्सिफिकेशन, फिक्सेशन, न्यूट्रलाइजेशन, डिहाइड्रेशन। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, डिकैल्सिफिकेशन। इसके बाद आता है डिकैल्सिफिकेशन इंक्लूड द फॉलोइंग स्टेप। डिकैल्सिफिकेशन करने का कौन सा स्टेप है? पहले हम लोगों को टिश्यू सिलेक्शन करना होगा, सिलेक्शन ऑफ टिश्यू, मैंने मतलब वो बोनी टिश्यू ना, वो सब टिश्यू। उसके बाद उसको अगर सब टिश्यू होगा तो वो नॉर्मल फिक्सेशन करना होगा, अगर वो कैल्सीफाइड टिश्यू होगा तो भी उसको फिक्सेशन करना होगा। फिक्सेशन करने के बाद हम लोग अगर वो पहले सिलेक्शन टिश्यू सिलेक्शन करने का टाइम में अगर हम लोग समझ गया जो टिश्यू है, तो वो टिश्यू को हम लोग डिकल्सिफिकेशन करेंगे। डिकल्सिफिकेशन करने के बाद डिकल्सिफिकेशन अगर हुआ कि नहीं वो हम लोग डिटेक्ट करेंगे, इन पॉइंट डिटेक्ट करता है हम लोग, नहीं तो फिजिकल तरीका से हम लोग डिकल्सिफिकेशन हुआ कि नहीं वो देखते हैं, नहीं तो एक्सरे करके भी हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद क्या करता है? न्यूट्रलाइजेशन करता है, क्योंकि डिकल्सिफिकेशन करने का जो प्रोसीड्योर है वो केमिकल है। केमिकल रहने से क्या होगा? टिश्यू का सेल कंपोनेंट वो खराब ही हो जाएगा, तो इसलिए उसको न्यूट्रलाइजेशन करना होगा। और एक तो बात है, अगर सेल के अंदर डिकल्सिफिकेशन का जो एसिड हो, एसिड रह जाएगा तो वो स्टेन का जो स्टेप है इसके बाद में, स्टेन के इंटरफेयर कर सकता है, तो इसलिए हम लोगों को वो हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए क्या करना होगा? हटाने के लिए वो अल्कलाई से न्यूट्रलाइजेशन करना पड़ेगा। न्यूट्रलाइजेशन के बाद क्या करना होगा? वो अल्कलाई हटाना पड़ेगा, उसके बाद वो वॉशिंग करना होगा। वॉशिंग करने के बाद वो नॉर्मल टिश्यू प्रोसेसिंग करने का। तो डिकल्सिफिकेशन इंक्लूड द फॉलोइंग स्टेज मतलब है ऑल, मतलब आंसर ई। डिकल्सिफिकेशन टेक्स प्लेस वेरी रैपिडली बिटवीन, कौन सा टेम्परेचर में डिकल्सिफिकेशन सबसे ज़्यादा होता है? ऑप्शन ए 45 to 50, ऑप्शन बी 50 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी 30 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन डी 46 to 52 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आंसर होगा ऑप्शन बी 56 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड। द बेस्ट डिकल्सिफाइंग एजेंट इज दैट हुइज। एक तो डिकल्सिफाइंग एजेंट होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, बा क्या क्या उसका फीचर्स होना चाहिए? तो ऑप्शन ए रिमूव्स कैल्शियम फ्रॉम टिश्यू कम्प्लीटली, ऑप्शन बी डज नॉट कॉज डैमेज टू टिश्यू सेल्स एंड फाइबर्स, ऑप्शन सी डज नॉट इंटरफेयर इन स्टेनिंग टेक्निक्स, ऑप्शन डी ऑल। तो देखिए फ्रेंड्स, ए क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल। इसके बाद आता है मेथड्स यूज इन डिटरमाइन द एब्सेंस ऑफ कैल्शियम इन डिकल्सिफाइंग फ्लूइड्स आर। देखिए फ्रेंड्स, एक कैल्शियम डिकल्सिफिकेशन हुआ कि नहीं है वो हम लोग फिजिकल तरीका से देख सकते हैं, केमिकल तरीका से भी देख सकते हैं, और नहीं तो हम लोग एक्सरे करके भी देख सकते हैं। तो वही ऑप्शन क्या क्या ऑप्शन है? देखिए ऑप्शन है बाई परफॉर्मिंग रेडियोग्राफी ऑफ टिश्यू, रेडियोग्राफी मतलब है एक्सरे करके हम लोग देख सकते हैं। ऑप्शन बी बाई केमिकल मेथड है, और ऑप्शन सी है बोथ, और ऑप्शन डी है ऑल। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑल मतलब है ए बी सी, और बोथ मतलब है ए एंड बी। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि ए एंड बी सही आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये जो हिस्टोपैथोलॉजिकल का जो पूरा थ्योरी क्लास है, हम थ्योरी क्लास का पूरा वीडियो हमारा
हम बनाया है, और इसका जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अगर आप लोगों को देखना चाहते हैं तो वहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक है, लिंक क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। तो वहाँ से आप लोगों को हिस्टोपैथोलॉजी का जो थ्योरी पार्ट है वो थ्योरी पार्ट का बेस क्लियर हो जाएगा। तो अगर बेस क्लियर हो जाएगा तो आप लोगों को आंसर देने में भी आसानी हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। आफ्टर डिकैल्सिफिकेशन एसिड न्यूट्रलाइजेशन इज परफॉर्म्ड विथ वीक अल्कलाइज सच एज 5 ग्राम पर डीएल लिथियम और सोडियम सल्फेट, 10 ग्राम पर डीएल लिथियम और सोडियम सल्फेट, 7 ग्राम पर डीएल लिथियम और पोटेशियम सल्फेट, 15 ग्राम डीएल लिथियम और पोटेशियम सल्फेट। तो आंसर होगा 5 ग्राम लिथियम और सोडियम सल्फेट। फ्रेंड्स देखिए, ये केवल अल्कलाई, ये जो अल्कलाई है ये अल्कलाई केवल हम लोगों को न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए काम नहीं आता है, और एक तो काम है। अगर हम लोगों के पास टाइम नहीं है HA10 जल्दी करना है तो HA10 में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है ब्लूइंग के लिए। अगर आफ्टर एसिड अल्कोहल वॉश करने के बाद, माने डिफरेंशिएशन करने के बाद, तो उस टाइम क्या करना पड़ता है तो उस टाइम हम लोगों को रनिंग टैप वाटर में देना पड़ता है, क्योंकि वो जो न्यूक्लियस का जो कलर हो एसिड से लाल पीला लाल हो जाता है। तो अगर न्यूक्लियस से अगर हम लोग एसिड हटा देंगे तो उसका कलर आहिस्ता आहिस्ता ब्लू हो जाएगा। तो इसलिए हम लोगों को रनिंग टैप वाटर में रखना पड़ता है। अगर हम लोग रनिंग टैप वाटर में नहीं रखेंगे, अगर हम लोग ये लिथियम और सोडियम सल्फेट के अंदर रखेंगे तो 1 से 2 सेकेंड के अंदर ही ये ब्लूइंग हो जाएगा। तो ये सोल्यूशन हम लोगों को ब्लूइंग करने का काम भी आता है। तो चलिए आंसर होगा, ये क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। आफ्टर एसिड न्यूट्रलाइजेशन वॉशिंग इज कैरिड आउट टू रिमूव अल्कलाई फॉर 2 to 4 hours एसिड अल्कोहल बोथ और नॉन। तो देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन का आंसर देखिए कैसा है, क्वेश्चन का मजा देखिए क्या है। एक क्वेश्चन हम लोगों को एसिड न्यूट्रलाइजेशन किया है अल्कलाई से, अल्कलाई अल्कलाई से करने के बाद क्या होता है, उस टिश्यू के अंदर अल्कलाई रह जाता है, तो वो अल्कलाई हम लोगों को हटाना पड़ता है। तो अल्काइल हम लोगों को दो तरफ से हटा सकते हैं, एक है रनिंग टैप वाटर में, और नहीं तो अल्कोहल में, वो अल्कोहल के साथ रख के हम लोग अल्कोहल से हम लोग अल्कलाई हटा सकते हैं, और नहीं तो एसिड देके। एसिड देने से क्या होगा, अल्कलाई तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा लेकिन वह एसिड रह जाएगा, तो एसिड नहीं होगा। अगर रनिंग टैप वाटर में करेगा तो रनिंग टैप वाटर अगर अल्कलाई हो जाएगा तो अल्कलाई पूरा पूरी नहीं जाएगा, तो इसलिए हम लोगों को अल्कोहल से करना पड़ेगा। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके बाद आता है रीजनेबल स्पीड एंड मिनिमम डैमेज टू टिश्यू कैन बी ऑब्टेन बाय द यूज ऑफ 10% फॉर्मिक एसिड, 5% फॉर्मिक एसिड, 15% फॉर्मिक एसिड एंड 25% फॉर्मिक एसिड। माने मतलब हम लोगों को जो डिकैल्सिफिकेशन करना पड़ता है वो रीजनेबल स्पीड, मतलब वो स्टैंडर्ड स्पीड में होगा एवं मिनिमम डैमेज होगा टिश्यू को, तो कौन सा फॉर्मिक एसिड हम लोग यूज़ करते हैं, कौन सा कॉन्सेंट्रेशन का कॉन्सेंट्रेट फॉर्मिक एसिड, तो 5% फॉर्मिक एसिड हम लोग यूज़ करते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके बाद आता है दैट डिकैल्सिफिकेशन ऑफ द कैल्सिफाइड टिश्यू इज डन बाय एसिड मेथड, अल्कलाई मेथड, एल्डिहाइड मेथड और अल्कलाई मेथड। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, एसिड मेथड से हम लोग डिकैल्सिफिकेशन करते हैं। उसके बाद आता है द रिलायबिलिटी ऑफ डिहाइड्रेशन इज चेकड बाई यूजिंग, हम लोग डिहाइड्रेशन कैसे चेक करते हैं, जे डिहाइड्रेशन पूरा पूरी हुआ कि नहीं हुआ, मतलब डिहाइड्रेशन वो जो टिश्यू प्रोसेसिंग का जो एक तो पार्ट है डिहाइड्रेशन, वो लास्ट बात में अगर आप लोगों को पूरा पूरी मैंने 100% अल्कोहल नहीं रहेगा तो डिहाइड्रेशन नहीं होगा, अगर वहाँ पर पानी रह गया तो डिहाइड्रेशन नहीं होगा। तो वो हम लोगों को चेक करना जरूरी है, क्या उसमें अगर पानी है तो डिहाइड्रेशन ठीक ठाक से नहीं हो रहा है, अगर पानी नहीं है तो डिहाइड्रेशन है। तो डिहाइड्रेशन कैसे हम लोग चेक करेंगे, एनहाइड्रेस कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। तो देखिए फ्रेंड्स, कॉपर सल्फेट से हम लोग करते हैं, लेकिन कौन सा कॉपर सल्फेट, एनहाइड्रेस कॉपर सल्फेट और कॉपर सल्फेट के अंदर थोड़ा पानी रहता है, एनहाइड्रेस कॉपर सल्फेट के अंदर पानी नहीं रहता है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, एनहाइड्रेस कॉपर सल्फेट। अगर यहाँ पर एनहाइड्रेस कॉपर सल्फेट नहीं रहता तो केवल कॉपर सल्फेट रहता है, तो आंसर होगा ऑप्शन कॉपर सल्फेट। अगर एनहाइड्रेस कॉपर सल्फेट भी है, कॉपर सल्फेट भी है, तो आंसर होगा एनहाइड्रेस कॉपर सल्फेट। इसके बाद आता है
द क्लियरिंग एजेंट जाइलिन हेल्प टू रिप्लेस एल्कोहल एंड मेक्स रूम द रूम फॉर द पैराफिन ड्यूरिंग इनफिल्ट्रेशन एंड इम्प्रेगनेशन फिक्सेशन एंड डिहाइड्रेशन बोथ नन। तो आंसर होगा ऑप्शन ए इनफिल्ट्रेशन एंड इम्प्रेगनेशन। नेक्स्ट आता है व्हेन जाइलिन इज रिमूव फ्रॉम द टिश्यू बाई डिफ्यूशन इन द सराउंडिंग मेल्टेड वर्क्स दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन इम्प्रेगनेशन इनफिल्ट्रेशन रिहाइड्रेशन डिहाइड्रेशन। तो आंसर होगा ऑप्शन बी इनफिल्ट्रेशन। इसके बाद आता है आफ्टर इनफिल्ट्रेशन द वर्क्स डिफ्यूज इन द टिश्यू बाय रिप्लेसिंग द जाइलिन एंड इट इज कॉल्ड रिहाइड्रेशन डिहाइड्रेशन इम्प्रेगनेशन एंड इनफिल्ट्रेशन। तो आंसर होगा ऑप्शन सी इम्प्रेगनेशन। The process of the infiltrate and impregnated tissue is placed in warm liquid paraffin is called embedded or blocking. Embedded को हम लोग हिस्टोपैथोलॉजी के लैंग्वेज में ब्लॉकिंग भी कह सकते हैं, फिक्सिंग, ड्राइंग, क्लियरिंग। तो आंसर होगा ऑप्शन ए एम्बेडेड और ब्लॉकिंग। व्हिच नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हिच मोल्ड इज यूज्ड फॉर एम्बेडिंग। एम्बेडिंग करने के लिए कौन सा मोल्ड हम लोग यूज़ करते हैं? वाई शेप्ड मोल्ड, ड्यूकर्स एम्बेडिंग एल मोल्ड, एच शेप्ड मोल्ड, एन शेप्ड मोल्ड। देखिए फ्रेंड्स, अभी तो ऑटोमेटेड ब्लॉकर भी आ गया, ऑटोमेटेड वो रेडीमेड ब्लॉकर भी कैसेट भी मिलता है हम लोगों को। तो पहले अब जब नहीं मिल आता था ये सब, तो हम लोग कैसे एम्बेडिंग करते थे? तो एम्बेडिंग करते थे ल्यूकर्स एम्बेडिंग एल मोल्ड से, एम मोल्ड ब्रास से, ब्रास से बनता है। तो वाई शेप्ड, एच शेप्ड, एन शेप से नहीं होता है, ल्यूकर्स एम्बेडेड एल शेप्ड। इसके बाद आता है हाउ मच टाइम डज द वर्क्स टेक्स फॉर हार्डनिंग इन कोल्ड H2O और रेफ्रिजरेटर। वर्क्स कितना टाइम में हार्ड होता है इन कोल्ड वाटर और रेफ्रिजरेटर में? 5 to 7 minutes, 10 to 20 minutes, 20 to 30 minutes, 25 to 35 minutes। तो आंसर होगा ऑप्शन बी 10 to 20 minutes के अंदर अगर हम लोग पैराफिन गला के अगर कोल्ड वाटर के अंदर रखेंगे और रेफ्रिजरेटर के अंदर रखेंगे तो 10 to 20 minutes लगेगा। तो फ्रेंड्स, पार्ट टू वीडियो में अभी 25 एमसीक्यू क्वेश्चन हम डिस्कस किया है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए अगला वीडियो तक हम लोग इंतज़ार करते हैं। इसके बाद हम लोग थर्ड वीडियो ले आएंगे, वो वीडियो में हम लोग और 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।